वेलकम टू मोतगिल मोटो वर्ल्ड, और आज हम रिव्यू करने वाले हैं सुजुकी एक्सेस 125 स्पेशल एडिशन, जो कि है ब्लैक मैट कलर में। तो आइए पहले मैं आपको इसकी डिस्प्लेसमेंट बता दूं। तो ये है 125 सीसी का काफ़ी बेहतरीन इंजन। इसमें आपको 8.7 bhp की पावर मिलती है और 10.2 nm का टॉर्क मिलता है। मैं बात करना चाहूँगा अपर पोर्शन से, तो इसमें आपको क्रोम कलर के आपको इसमें मिरर्स मिल जाते हैं। उसके बाद सेंटर लोकेशन की बात करूँगा तो आपको हेडलैम्प के साइड पे क्रोम एलिमेंट यूज़ किया गया, जो कि काफ़ी एक बेहतरीन लुक देता है, स्पेशली ब्लैक कलर पे स्कूटी पे। तो उसके बाद आप अगर इसकी हेडलैम्प की बात करेंगे तो इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं, जो कि नाइट में आपकी लाइट की विजिबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं, और लाइट में आपको रात को ड्राइविंग में प्रॉब्लम नहीं होती। जो अब मैं साइड से बात करूँगा तो यहाँ पर आपको ब्रेक लीवर के साथ एक हैंड ब्रेक का ऑप्शन भी मिल जाता है इसमें, जो कि कहीं आप अगर ऐसी जगह पे स्कूटर को पार्क करते हैं ज़्यादा चढ़ाई में या ज़्यादा ढलान में, तो इस पे आपको यूज़फुल रहता है। मैं सेंटर से बात करने जाऊँगा तो सेंटर से इसको काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा डिज़ाइन दिया गया। यहाँ पे आपको सुजुकी का बैजिंग मिल जाता है, और साइड पे अगर आप बात करेंगे इंडिकेटर मिल जाते हैं, और इंडिकेटर के ठीक नीचे ही आपको यहाँ पे इस एरिया में एक येलो हेलोजन स्मॉल पार्किंग बल्ब मिल जाते हैं, जो कि आपके स्कूटर को दूर से एक विजिबल एरिया बना देते हैं कि कोई चीज़ पीछे से आ रही है। अब मैं नीचे से बात करना चाहूँगा तो यहाँ पे आपको जो सस्पेंशन दिए जाते हैं वो टेलीस्कोपिक मिलते हैं, साथ में आपको एक डिस्क मिल जाती है, और इसमें ब्लैक कलर के आपको अलॉय व्हील्स में मिल जाते हैं। साथ में आपको 90x90 इंटरसेक्शन के 12 इंचेस के टायर मिलते हैं, जो कि सीएट कंपनी के द्वारा कंपनी ने यूज़ करे गए हैं। और ये जो टायर्स है ये ट्यूबलेस है, और जो डिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी ब्रेकिंग क्वालिटी को आपकी बढ़ाता है। जो इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा जल्दी आपको ब्रेकिंग एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया मिल जाता है आपको। सेंटर एरिया से बात करने जा रहा हूँ तो जो मिरर्स का व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा एक ब्रॉड मिलता है आपको। उसके बाद अगर यहाँ पे सेंटर से मैं बात करूँगा तो यहाँ पे जो मीटर है वो आपको एनालॉग मिलता है, साथ ही साथ नीचे आपको एक डिजिटल डिस्प्ले मिलता है। उस डिजिटल डिस्प्ले में आपको सबसे पहले किलोमीटर्स ड्रिवन मिल जाते हैं, उसके नीचे फ्यूल कितना आपकी गाड़ी में वो बताता है, उसके बाद आपको एक सिंगल ट्रिप मिल जाती है और एक और ट्रिप मिल जाती है, मींस कि आपको इसमें डबल ट्रिप मिलती है। उसके बाद आपको ऑयल चेंज इंडिकेटर भी मिल जाता है, यहाँ पे आपको चोक मिल जाती है। उसके साथ में आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, जो कि आपके फ़ोन्स को चार्ज करने में आपकी मदद करता है। उसके नीचे आपको यहाँ पे कुछ लगेज एरिया मिल जाता है, जिस पे आप अपना फ़ोन या टैबलेट जो भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, या एक छोटी वाटर बॉटल भी रख सकते हैं आप। सेंटर में आपको एक हुक मिल जाता है, जिसपे आप अपना सामान ईजिली टाई कर सकते हैं, और यहाँ पर नीचे भी आपको एक हुक मिल जाता है। मैं बात करने वाला हूँ साइड से, तो साइड से स्कूटर की लुक आपको बहुत ही ज़्यादा एजी और बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे आपको स्पेशल एडिशन मॉडल में स्पेशली यहाँ पे स्पेशल एडिशन का स्टिकर मिलेगा, जिसके ऊपर लिखा है फॉर दोस हु लव टू राइड। पीछे आपको सिर्फ 125 की बैजिंग मिल जाएगी, उसके नीचे आपको एक किक मिल जाएगी जिससे आप अपना स्कूटर स्टार्ट भी कर सकते हैं, बाकी एज नॉर्मल एज यूजुअल। पीछे आपको जो ग्रैब हैंडल मिलेगा वो बॉडी कलर में मिलेगा, और ये एल्युमिनियम का है, और जो रियर टेल लैम्प मिलता है वो एक काफ़ी बढ़िया बना दिया गया है इस नए मॉडल में। जो टायर आपको मिलता है वो मिलता है आपको 90x100 की एक्सपेक्ट रेशियो का, और ये आपको 10 इंचेस का अलॉय व्हील मिल जाता है पीछे। यहाँ पे जो साइलेंसर के ऊपर आपको मफलर मिलता है वो भी क्रोम एलिमेंट से बना गया है, और ये भी काफ़ी एक अपीलिंग लुक देता है। यहाँ पे भी आपको SS125 की बैजिंग और स्पेशल एडिशन की स्टिकर मिल जाता है। यहाँ पे नीचे आपको SC भी मिल जाती है, जो कि है सुजुकी इको परफॉर्मेंस, जो सुजुकी ने नया प्लेटफॉर्म बिल्ड करा है। उसमें ये है कि स्कूटर का बार कुछ किलोग्राम्स में राउंड अबाउट 10 kg घटा दिया गया, और इसके इंजन को और भी अल्ट्रा लाइट बना के और भी रीबूस्ट बना दिया गया है। बात करूँगा यहाँ से तो इसमें जो आपको इग्निशन सिस्टम मिलता है उसमें आपको की यहाँ पे यही नॉर्मल की जो पहले आती थी सुजुकी की ऐसी ही मिलती है जो पहले आती थी। उसके बाद यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, साइड पे आपको पुश शट, इस चीज़ को आप लॉक को पूरा लॉक भी कर सकते हैं। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये लॉक हो गया, और यहीं से चाबी के जो बैक साइड है इससे हम इसको खोल भी सकते हैं, और यहाँ पे हम यहाँ से अपना बूट ओपन कर सकते हैं ऐसे करके जस्ट। की बात करेंगे तो इसका जो मेन हाईलाइट है वो बूट का ही है, जो इसका बूट है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस लीडिंग है 21.8 liters का। अपने 100 से 125 सीसी के सेगमेंट में ये सबसे बड़ा बूट है जो आपको मिलता है। यहाँ पे आप हेलमेट भी रखी हुई है मैंने, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा लगेज एरिया मिल जाता है, जिसमें आप अपने ग्लव्स, फ़ोन या अपनी वाटर बॉटल्स भी और भी चीज़ें कैरी कर सकते हैं ईजिली। यहाँ पे आपको स्कूटर के साथ जो मिलता है टूल किट मिलती है, ये
हेल्थ किट मिलती है, और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं डॉक्यूमेंट जो आपको यूजुअली मिलते हैं आरसी वगैरह रखने का एरिया। जो सीट की मैं बात करूँ, जो सीट पहले से आती थी वो समथिंग लाइक मैरून कलर में थी, जो ये है ऊपर सीट मैंने अपनी लेदर की बनवा के चढ़ा रखी है, तो जो सीट है वो मैरून कलर की आती है काफ़ी एक लेदर फिनिश में, और ये मैंने अपनी बनवाई हुई है। तो अब मैं साइड से बात कर लूँ तो आपको क्या क्या चीज़ें इसमें पहले से प्री इंस्टॉल मिल जाती हैं, तो वो है साइड स्टैंड, सेंटर स्टैंड, जो आगे वाले मेल फुटर्स हैं, रियर फुटर आपको एक्सटर्नली लगवाना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो एक्सेसरी है, जो ये रेलिंग है जो मैंने स्कूटी पर लगवाई है, ये जो स्कूटी के प्रोटेक्ट करती है, ये भी आपको खुद से लगवानी पड़ेगी। तो जो माइलेज जो कंपनी लिस्टेड करती है वो करती है अराउंड 64 km/L, जो कि अभी मुझे दे रही है इन सिटी 35 km/L के आसपास। तो गाइस कैसी लगी आपको आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी अपनी नई वीडियोस डालूँ तो उसकी अपडेट्स आपको एज सून एज पॉसिबल आप तक पहुँच जाए। तो यही थी आज की वीडियो, टिल देन थैंक यू, गुड बाय, और मैं नया कंटेंट जल्दी ही डालने वाला हूँ। टेक केयर।